एक्सरसाइज नंबर 2.7 सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन 13 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि सिमल्टेनियसली इक्वेशंस हैं और इनको सॉल्व करना है। इजी से क्वेश्चंस हैं, इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ ही फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास ये दो क्वेश्चन नंबर 1 में ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, किसी एक इक्वेशन को पिक करना है और उससे हमने एक्स या वाई की वैल्यू को असाइन कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एक ये इक्वेशन है, ठीक है। ये थोड़ी सी लेंथी इक्वेशन है, ये इजी है, तो हम इसको पिक करते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को हमने लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो अब हम इससे ना x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, यानी कि x को यहीं पे रहने देंगे इज इक्वल टू 5 और ये जो प्लस y है ना, ये राइट साइड पे जब लिखेंगे तो माइनस y हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ना, इसमें x की वैल्यू को पुट करना है। पुटिंग वैल्यू वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है, 1, 2 और ये 3 जो हमने खुद से बनाई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब इक्वेशन लिखते हैं। सेकंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x की वैल्यू को पुट करेंगे तो 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ये देखो, इसको हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करना है, ठीक है। ये कौन सा फार्मूला बन गया, ये हमारे पास फार्मूला आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 माइनस वाई, यानी कि ये a है और ये b है, ठीक हो गया। अब ए स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखना है, 5 स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी d की जगह क्या लिखना है, y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस फार्मूले का, फिर 2 फार्मूले का और ए बी दोनों लिखने हैं। ए बी कौन से हैं, 5 है और y है, ठीक है। अब इनका स्क्वायर ख़त्म करते हैं, 25 प्लस y स्क्वायर और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला ओपन हो गया। तो अब हम फार्मूले यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम इक्वेशन, ये जो हमने फार्मूला ओपन किया है, 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y लिख देंगे, ठीक है। और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ ही आ जाएंगे, 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसमें कोई सिमिलर वैल्यूज़ हैं तो उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये y है और ये y है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 25 तो एज इट इज़ रहेगा, वाई स्क्वायर एज इट इज़, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 12y आ जाएगा, ठीक है। माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। ये जो 14 है और 25, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, माइनस करेंगे हम उनको तो 1 और 1 11 आ जाएगा हमारे पास। तो क्या वाई स्क्वायर माइनस 12y और प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करनी होती है हमने, क्योंकि इसको अब फर्दर वाई स्क्वायर है, एक y और एक कॉन्स्टेंट, अब इसको कैसे सॉल्व करना होता है, इसका फैक्टराइजेशन करनी होती है। फैक्टराइजेशन में
अभी देखें फैक्टराइजेशन किस तरह करनी होती है, फर्स्ट वैल्यू को थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 वाई स्क्वायर। अब हमें दो डिजिट्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 11 वाई आए, और जिनको प्लस या माइनस करें तो ये दरमियान वाली वैल्यू आए, माइनस माइनस 12 वाई आए। ठीक है, तो वैसे कौन से दो नंबर हैं, अगर 11 तो 11 के टेबल में जाता है तो 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 वाई, ठीक है, वाई स्क्वायर। और अगर हम 11 में वाई में प्लस करेंगे 1 वाई को तो हमारे पास 12 आ जाएगा। लेकिन हम अगर प्लस लगाएंगे यहाँ पे, लेकिन इसके साथ तो माइनस है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएंगे ताकि माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो 12 आ जाएगा और बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या वैल्यूज ली, माइनस 11 वाई और माइनस 1 वाई। तो अब क्या करना होता है, वाई स्क्वायर एज इट इज ही आता है, और ये जो दरमियान वाली वैल्यू होती है ना माइनस 12, इसकी जगह हमने इस 12 को ना दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, 11 वाई और माइनस 1 वाई। ठीक है, बाकी एज इट इज ही आएगा, 11 इज इक्वल टू 0, सिर्फ चेंज क्या आया इन दो वैल्यूज का। अच्छा, उसके बाद ये अब चार वैल्यूज हो गई हैं तो इनको हमने पेयर बना लेना। ठीक है, एक ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें से कॉमन, इनमें से कॉमन क्या है, सिंगल वाई कॉमन है, क्योंकि इसके पास दो वाई है उसके पास एक वाई है, तो हमने एक वाई कॉमन ले लिया। अब बाकी इधर क्या रह गया, सिंगल वाई रह गया और इधर सिर्फ 11 रह गया क्योंकि वाई हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे अब देखो यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ तो सिर्फ 1 को माइनस 1 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये y आ गया। और उसके बाद माइनस 1 को डिवाइड करेंगे 11 पे तो माइनस 11 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना होता है, इस y को और माइनस 1 ये जो वैल्यूज है ना इनको कंबाइन करके लिखना है, तो ये हमारे पास आ जाएगी y माइनस 1 y माइनस 11। अब ये जो y माइनस 11 दो दफ़ा है ना, इसको हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास अब ये दोनों जो हैं वो ज़ीरो के इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को अलग अलग ज़ीरो के साथ लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ज़ीरो के इक्वलियंट ही हैं ना। तो हम क्या करेंगे, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं और y माइनस 11 को अलग इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी, y इज इक्वल टू, अब माइनस 1 को राइट साइड पे लिखेंगे तो प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और y इज इक्वल टू प्लस में 11 कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास दो y की वैल्यूज आ गई हैं, यानी कि हाफ जो काम है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, बाकी x की वैल्यूज पुट करनी है। ये वाली जो x की वैल्यूज थी ना, ये तो वैल्यू थी, ये तो हमने खुद से असाइन की है ना, तो हमने अब इस इक्वेशन को लेना है, थर्ड इक्वेशन को जो कि हमने खुद बनाई थी। अब हमने इसमें इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी पुट करना है और एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, फिर हमारे पास एक्स की वैल्यूज भी आ जाएंगी और वाई की वैल्यूज भी आ जाएंगी। तो नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, कौन सी इक्वेशन लिखनी है, एक्स की, एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। इसको दो दफ़ा लिखना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यूज जो हैं वो दो हैं, एक y की वैल्यू क्या थी 1 और एक y की वैल्यू क्या थी 11। वैल्यू पुट करते हैं, 5 एक वैल्यू थी 1, दूसरी वैल्यू थी 11। ठीक हो गया, माइनस, अब ये x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 और x इज इक्वल टू 5 माइनस 11। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर हमारे पास आ जाएगा जी, एक्स इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल टू 6। अब हमारे पास एक एक्स की वैल्यू 4 आ गई और एक एक्स की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन सेट किस तरह लिखते होते हैं, सॉल्यूशन सेट जो होता है ना वो क्या होता है, एक्स और वाई। ठीक है, अब हमने एक्स और वाई के अकॉर्डिंग किस तरह लिखना है कि ये जो हमने सॉल्व किया इसमें x क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है 1 पुट की है ना, ये एक सेट बन गया। और सेकंड सेट क्या है हमारे पास, x और y के अकॉर्डिंग x है 6
और वाई क्या है हमारे पास, 11 हमने पुट किया। ठीक है, अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, सेट हमारे पास आ गया जी 4 1 और 6 11। ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, इस तरह लिखना है।